हेलो एवरीवन, आज मैं तुम लोगों को कुछ टर्म्स फिर से रिवाइज करवाने वाली हूँ। जिन लोगों ने टर्म्स नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम टर्म्स का मतलब समझना होगा। ये टर्म्स हमको अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत काम आने वाले हैं बेटा, इसीलिए मैं बार बार इसके रिवीजन पे फोकस कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो फटाफट जल्दी से सारे टर्म्स का रिविजन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स का। सबसे पहले प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है? ओनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस में पैसे लगाता है और जो बिजनेस का रिस्क उठाता है उसको हम बोलते हैं प्रोपराइटर। नेक्स्ट है असेट। असेट का मतलब होगा वो प्रॉपर्टी या कोई राइट जो बिजनेस का है और जिसकी कोई मनी वैल्यू है। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में पैसे जनरेट करने में काम आने वाली है। ठीक है, हम अगर कैरेक्टर सिक्स से पढ़ें तो असेट वो होता है, इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस की प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग, बिल्डिंग की बिजनेस की मशीनरी, इसके बाद फिर बिजनेस का फर्नीचर, ये सब बिजनेस के लिए उसका असेट है। दो तरीके के असेट्स होंगे, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल असेट्स वो होंगे जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर। इनटैंजिबल वो होंगे जिनको आप छू नहीं सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप नहीं छू सकते हो। आप कंप्यूटर टच कर सकते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं। ठीक है, हर असेट के कुछ वैल्यू होती है और इट शुड बी केपेबल ऑफ बींग मेजर्ड इन मनी टर्म्स। मनी में उसकी कीमत लगाई जानी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो फिर हम उसको अपना असेट नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म जो मुझे सिखाना है वो है कैपिटल। कैपिटल वो पैसे होते हैं जो कि प्रोपराइटर अपने बिजनेस में लगाता है, जैसे जेठालाल ने गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसे लगाए, तो इन पैसों को हम बोलेंगे कैपिटल। ठीक है बेटा, अगर प्रोपराइटर बिजनेस से पैसे बाहर निकाल लेता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। जैसे कि इस एग्जांपल में दिख रहा है, जेठालाल ने पैसे गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से वापस विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए, तो इसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रोपराइटर सिर्फ कैश ही निकाले, वो दुकान में पड़ा हुआ सामान भी अपने घर पर पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जा सकता है, इसको भी ड्रॉइंग्स ही बोला जाएगा। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा बेटा? कैपिटल जब लगाएंगे, ठीक है, तो कैपिटल बढ़ेगी, पर जब प्रोपराइटर बिजनेस से पैसे निकालेगा, ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में दिख रहा है, ये 1 लाख रुपए निकाल रहा है, तो ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो जाता है। ठीक है, और जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है बेटा तो कैपिटल बढ़ जाता है, क्योंकि बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ है वो ओनर के पैसों पर हुआ है, तो प्रॉफिट पर राइट ओनर का है, बिजनेस का नहीं है। ठीक है, ये क्लास में मैं तुम लोगों को बात समझा चुकी हूँ कि बिजनेस एक अलग पर्सन होता है, ओनर एक अलग पर्सन। बिजनेस को भी हम ओनर एक अलग पर्सन की तरह मानते हैं, है ना? ओनर अपने पैसे, खुद के पैसे बिजनेस में लगाता है, बिजनेस के खुद के पैसे नहीं हैं, ओनर से लिए गए पैसे हैं। इसीलिए ये पैसे एक तरीके की लाइबिलिटी होते हैं बिजनेस के ऊपर। लाइबिलिटी मतलब उधारी। बिजनेस ने ओनर से जो पैसे लिए वो बिजनेस के लिए एक तरीके की उधारी हुए, जिसको हमने नाम दे दिया कैपिटल। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा इन पैसों पर वो कैपिटल में ही जुड़ जाएगा, और जो भी नुकसान होगा वो कैपिटल से ही माइनस किया जाएगा। इसके बाद है बेटा डेटर का मतलब। डेटर वो पर्सन होता है जिसको हमने गुड्स उधारी पर दिए हैं। ठीक है, हमने जिनको क्रेडिट सेल करी है, क्रेडिट मतलब उधारी पर मैंने गुड्स बेचे। अब मैंने गुड्स तो दे दिए सामने वाले को, मुझे उससे पैसे लेने हैं, रिसीवेबल्स। ठीक है, उन पैसों पर मेरा राइट है, मेरा राइट है मतलब वो पैसे मेरे लिए असेट हैं। ठीक है,
डेटर, डेटर वो पर्सन जिससे मुझे अपने पैसे लेने हैं। इसके बाद बेटा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब है उधारी, ऑब्लिगेशन टू पे। बिजनेस दो तरीके के लोगों से उधारी लेता है, एक वो ओनर से पैसे लेता है, बिजनेस को ओनर से पैसे मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी मतलब कैपिटल। और सेकेंड है बाहर वालों से ली गई उधारी, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी या सिर्फ सिंपल लाइबिलिटी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं बेटा रिसिप्ट। जब हम कोई भी सामान बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे, सर्विसेज देंगे, तो हमको पैसे रिसीव होंगे। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रिसिप्ट। दो तरीके की रिसिप्ट होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप समझो, सब्जी वाला सब्जी बेचता है, सब्जी बेचकर पैसे कमाता है, इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कमाए गए पैसे, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, पर बेटा सब्जी वाले के पास एक साइकिल है जो उसका असेट है। ठीक है, ये साइकिल उसने बेचने के लिए नहीं खरीदी, बट अगर कभी वो अपनी साइकिल बेच लेता है तो उसको पैसे मिलेंगे, उसको साइकिल बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। मतलब आपका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है आपके बिजनेस के अंदर, वो आप करते हो, जो पैसे आपको मिलते हैं उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, या फिर सिंपली अपन इसको बोलेंगे रेवेन्यू। ठीक है, ये रेवेन्यू है। और अगर कोई ऐसा काम करते हो जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता, जैसे कि कोई असेट बेच देना, फर्नीचर बेच देना, लैंड बेच देना, ये सब मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, मैं लैंड बेचने का बिजनेस नहीं करती हूँ, अगर लैंड बेचकर मुझे कुछ पैसा मिलता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट एक बार ही होती है, साइकिल मैं रोज रोज नहीं बेचती, एक ही साइकिल थी, बेच दी, पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट है। सब्जी, ये सब्जी वाला रोज बेचता है तो रोज बेच के जो पैसा कमाता है वो रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही एक्सपेंडिचर्स भी दो तरीके के हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हैं, इसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, नॉर्मल बिजनेस के अंदर जो खर्चे किए जाते हैं, जिनका बेनिफिट मैं एक साल के अंदर ही कंज्यूम कर लेती हूँ, कैसे कंज्यूम करती हूँ, जैसे मैं पेस्ट्री खाने गई, मैंने पेस्ट्री के पैसे भरे, पेस्ट्री ली, पेस्ट्री खा ली, पेस्ट्री खा ली मतलब मैंने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया। ठीक है, मैंने एक पर्सन से काम करवाया, काम करवा लिया मतलब बेनिफिट कंज्यूम कर लिया। ठीक है, और उसको बदले में सैलरी पे कर दी, बेनिफिट तुरंत तुरंत मिल गया मुझे एक साल के अंदर अंदर। मैंने प्रिमाइसेस यूज़ किया, बिल्डिंग यूज़ करी किसी और की, यूज़ किया मतलब बेनिफिट ले लिया, उसके बदले में उसको रेंट पे कर दिया। ठीक है, तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, सब्जी खरीदी सब्जी वाले ने, सब्जी बेच दी, बेनिफिट मिल गया, बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है बेटा जो हमें कई सालों तक काम आता है, जैसे कि ये सब्जी वाले ने ठेला खरीदा, बेटा ठेला तो रोज नहीं खरीदेगा, ठेला एक बार खरीदेगा कई सालों तक काम आएगा। ठीक है, इसीलिए ठेला कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, साइकिल खरीदी सब्जी वाले ने, साइकिल भी वो रोज नहीं खरीदेगा। ठीक है, साइकिल खरीद कर कई सालों तक यूज करेगा, तो अगर वो कई सालों तक उसका बेनिफिट लेगा तो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, हमको मेनली मतलब अभी है रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंसेस से। ठीक है, क्योंकि बेटा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस जब अपन करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है, इनकम। ठीक है, या अलग वर्ड्स में मैं बोलूं तो कैप रेवेन्यू रिसीव्ड
में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो इतने टर्म्स थे जो मुझे तुम लोगों के साथ फटाफट डिस्कस करने थे, ताकि आज की क्लास में तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलो मिलते हैं आज की क्लास में, अकाउंटिंग इक्वेशन सीखेंगे। बाय बाय।